नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की मुख्यमंत्री सावंत ने की निंदा। रवि धवन आईएएस इमेजिन पंडित स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। शिरोड़ा जेडपी निर्वाचन क्षेत्र में बूथ लेवल ऑफिसर की ड्यूटी के दौरान अचानक मृत्यु। गोवा के पे में एक शिकारी ने गलती से कर दी दूसरे शिकारी की हत्या। अवैध रेत खनन के पुनरुत्थान से संबंधित अवमानना याचिका पर मुख्य सचिव खान और भूविज्ञान निदेशक और डीजीपी को नोटिस जारी। भारत सरकार ने हज 2021 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। तमिलनाडु में समुद्री नाव से 9.7 किलो सोना जब्त। अयोध्या का राम मंदिर होगा गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश का थीम। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते केरल में स्वास्थ्य सेवा ठप। नियंत्रण रेखा पर भारत की जवाबी फायरिंग में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। कोटा के अस्पताल में 8 घंटे में 9 नवजातों की मौत। कृषि कानूनों के विरोध का काउंटर करेगी भाजपा। 700 स्थानों पर चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। एम्स और एलएनजेपी डॉक्टरों ने आईएमए स्ट्राइक के समर्थन में काले रिबन बांधे।